जी अस्सलाम वालेकुम डियर लीडर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा केक कोर के हवाले से, केक कोर की प्राइस क्या है, इनको डेलीगेट करने के बेनिफिट्स जो हैं वो क्या हैं। आप अगर अपने टोकन डेलीगेट अगर आपने किए थे, मैंने आपसे डेलीगेट आपके टोकन करवाए थे, उनसे जो आपको क्लेम मिला था उनका क्या बेनिफिट है, क्लेम आपने करना है या नहीं करना, कैसे आपने क्लेम करना है, वो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अनडेलीगेट आपने अपने टोकन जो है वो कैसे करने हैं, पुराने आपको वैलिड के अंदर रिसीव होंगे या नए टोकन नए वैलिड के अंदर आपको रिसीव होंगे, तो ये सारा कुछ जो है इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और ये भी आपको बताऊंगा आपके जो टोकन हैं उनको आपने स्वैप जो है वो कैसे करना है और कहाँ पर करना है, ये भी आपको बताऊँगा। और यहाँ पर पाँचवें नंबर पर मैं आपको बताऊँगा, अगर आप अपने पाई टोकन सेल करने हैं तो वो भी आप मुझे जो है सेल कर सकते हैं। ये देखें, आज एक बांग्लादेश से भाई ने मुझे जो है टोकन सेल किए थे, 40 टोकन सेल किए थे, उनको मैंने पेमेंट की। ये देखें, मैंने उनसे पूछा भी था कि आप कहाँ से हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे डील्स जो है वो इंडिया से भी होती रहती हैं, पाकिस्तान से, हर कंट्री से जो है यहाँ पे पाई की डील्स होती रहती हैं। और आपने अगर मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ये ग्रुप भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी मैं आप लोगों को जो है अपडेट्स वगैरह वो देते रहता हूँ जिस चीज़ की आती है। तो यहाँ पे कैटली की मैंने दी थी। अच्छा, यहाँ पे हम मुद्दे के ऊपर आते हैं। दूसरा आपको बताता जाऊँ कि अगर आपने पाई नेटवर्क को मिस कर दिया था, कि पाई से आपने प्रॉफिट जो है जनरेट नहीं किया, आइस नेटवर्क को आपने मिस नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर मैं आइस नेटवर्क को भी आपको दिखा दूँ, ये आइस नेटवर्क का कुछ लोगो है, इसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ जो है अपने फ्यूचर का मिस किया है। पाई से लोगों ने स्टार्ट में जिन लोगों ने मेहनत की थी उनके पास हज़ारों की क्वांटिटी में पाई पड़े हुए हैं, और वो सेल करके मुझे सेल करके वो जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये चीज़ मुझे पता है, आप लोगों को इतना पता नहीं है। इसलिए बता रहा हूँ कि आज नेटवर्क बिल्कुल फ्री है, सिर्फ क्या करना होता है, डेली एक दफ़ा जो है ये बटन सिर्फ प्रेस करना होता है, सिर्फ ये बटन, ठीक है, ये बटन प्रेस करना होता है, सिर्फ एक बटन 24 घंटों में एक बार। अगर आप यहाँ पर देखें, एक घंटे के अंदर मुझे 152 टोकन जो है वो मिल रहे हैं। अगर आप 24 घंटे में ये टोकन जो है माइनिंग इसकी नहीं करेंगे, तो ये 150 टोकन जो है यहाँ पे मेरे 152 टोकन जो है वो कटना शुरू हो जाएंगे मेरे वैलेट से। तो ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है कि यहाँ पे लोग जो है एक्टिव रहते हैं, तो इसको मिस ना करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लाजमी इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ केक कोर की, ठीक है, थोड़ा आपको समझाता हूँ, आपने इसको ए टू जी जो है समझना है। यहाँ पर टोकन कन्वर्सेशन है, यहाँ पे कन्वर्सेशन जो है मैं इसकी आपको बता दूं कि, तो यहाँ पे कन्वर्सेशन जो है व्हेन यू अनडेलीगेट केक ओल्ड वर्जन, ठीक है, वो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जब आप अनडेलीगेट करेंगे अपने ओल्ड वर्जन, ओल्ड एड्रेस वाले, मैं आपको इस तरह बताऊं, जो आपका एड्रेस पहले वाला था जो मैंने फिर बाद में आपसे डलवाया कि ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है केक कोर का, इसको ऐड कर लें, ठीक है, वो मैंने आपको वीडियो वगैरह वो सारा कुछ आपको डिटेल जो है प्रोवाइड की थी, ठीक है। अगर जिन दोस्तों ने ये डिटेल्स नहीं देखी, वो मेरा ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, उसमें मैं उनको सारी डिटेल जो है वो देता रहता हूँ, वहाँ से मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हेन यू अनडेलीगेट केक ओल्ड वर्जन, यू विल रिसीव केक न्यू वर्जन, ठीक है। ओल्ड आपके जो एड्रेस से टोकन थे, जब आप अनडेलीगेट करेंगे, जब आपने डेलीगेट किया था, जब आपके टोकन जो है वो आपके ओल्ड एड्रेस के अंदर पड़े हुए थे, जब अनडेलीगेट करेंगे तो वो आपके ओल्ड एड्रेस में नहीं जाएंगे, वो न्यू एड्रेस में जाएंगे। आइसक्रीम स्वैप वालों की वजह से जिन लोगों ने केक बाय किए थे, जिनके टोकन उनमें फेक थे, जो रियल थे वो ठीक है, जो उन टोकन के अंदर फेक टोकन थे वो भी बर्न हो जाएंगे, ठीक है, वो बर्न होंगे, बर्न होने के बाद जो है आपके रियल टोकन हैं वो बचेंगे। अच्छा, यू विल रिसीव केक न्यू वर्जन आफ्टर दिस पीरियड द फ्यूचर फीचर विल लैप्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे वो हमें शो कर रहे हैं अनडेलीगेट कोर, अनडेलीगेट कोर जो है हमारे होंगे 16 तारीख को, मतलब कल, आज फ्राइडे है, कल को जो है ये अनडेलीगेट होंगे। उसके ऊपर भी आपको वीडियो प्रॉपर जो है जिस जो भी तरीका होगा वो भी आपको वीडियो के अंदर ही मैं बता दूंगा। अच्छा, यू कैन क्लेम कोर रिवार्ड एंड अनडेलीगेट कोर एट एनी टाइम, जिन लोगों ने अपना कोर जो है वो डेलीगेट पे लगाए थे ताकि उनके कोर जो है वो एक्स्ट्रा हो जाए, ताकि उनको क्लेम कर सकें, तो वो भी है, वो जिस टाइम अनडेलीगेट करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो कहता है एड लिक्विडिटी, ठीक है, ये हम कर पाएंगे 28 तारीख को, कल 16 है, तो हम तकरीबन दो वीक के बाद जो है हम इनकी लिक्विडिटी जो है वो हम कर पाएंगे।
न्यू वर्जन विल बी लिस्ट ऑन LFG स्वैप। LFG स्वैप के ऊपर आपका जो न्यू वर्जन, न्यू जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के अंदर टोकन है, वो आप उनको स्वैप कर पाएंगे LFG स्वैप के ऊपर, ठीक है। वो भी आपको प्रॉपर A to Z जो है वीडियो मिलेगी कि आपने वहाँ पे जो है अपना स्वैपिंग वगैरह सारा कुछ जो है A to Z कैसे करना है। तो आपने पेशेंट रखना है, बस परेशान नहीं होना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपका भाई बैठा ना यहाँ पे। अच्छा, लिस्टिंग प्राइस जो है 0.00474 कर लें, 0.004। अब यहाँ पे मैं आके अपनी मेन स्क्रीन में कैलकुलेटर जो है उसको ओपन करता हूँ। अब सपोज करें मेरे पास टोकन पड़े हुए हैं 2 लाख, ठीक है, ये 2 लाख मेरे पास टोकन पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे इसकी प्राइस आ रही है 0.04, ठीक है, ऊपर वाले को छोड़ दें। अब ये 800 USDT जो है मेरे बन जाएंगे, 2 लाख ज़रब मल्टीप्लाई किया मैंने 0.004 के साथ। अगर आपके पास 1 लाख पड़ा हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे जो है करके देख सकते हैं कि आपके 1 लाख का कितना 400 USDT जो है आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आपके पास 10,000 पड़ा है तो आपको 40 USDT मिलेंगे। वो बोलते हैं ना कि जितना गुड़ उतना मीठा, ये आप लोगों के साथ जो है इंशाल्लाह होगा, और मुझे उम्मीद है कि इतना ही प्रॉफिट सब मेरे लीडर्स को जो है मिलने वाला है। अच्छा, ये प्राइस आ गई पूल 220 मिलियन केक्स 1 मिलियन USDT, 210 जो है मिलियन ये केक और है, और यहाँ पे 1 मिलियन USDT की जो है वो सप्लाई होगी। अदर डेक्स विल स्टिल बी टेम्परेरी लॉक। अच्छा, और डेक्स जिनके ऊपर हम अपने केक और जो है स्वैप करेंगे वो भी हैं, लेकिन वो अभी जो है लॉक हैं। फिलहाल जो है LFG स्वैप जो है इसको ओपन किया जाएगा। CEX लिस्टिंग ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड वर्जन ऑफ केक टोकन, द प्लान टू लिस्ट केक टोकन ऑन CEX विल बी मूव्ड टू अक्टूबर, ठीक है। ये भी एक एक्सचेंज है, इसके ऊपर जो है लिस्टिंग जो है अक्टूबर के अंदर होगी, तो इसकी भी आपको जो अपडेट है वो बहुत जल्द जो मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पे बता दूंगा। इसके बाद इसकी ICO जो है वो 26 को ख़त्म हो जाएगा रात के 12 बजे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको अपडेट दी, यहाँ पे जो है आपको ये भी बताया गया केक और विल लिस्ट ऑन LFG स्वैप ऑन द 28 सितंबर। आज 15 है, 16 मतलब 2 हफ्ते के बाद जो है ये लिस्ट हो जाएगा। प्राइस क्या होगी इसकी, प्राइस इसकी लिस्टिंग प्राइस ये होगी, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आपको खुले ओपन वर्ड में भी मैंने बता दिया था, ये देखें डेक्स एक्सचेंज लिस्टिंग LFG स्वैप 28 तारीख को होगी। टोकन कन्वर्ट डेट सिंपल लफ्ज़ों में भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये ग्रुप के अंदर भी मैंने समझाने की कोशिश की और यहाँ पे भी वीडियो के अंदर भी आप दोस्तों को बता रहा हूँ। टोकन कन्वर्ट डेट स्टार्ट, कन्वर्ट कब होगी, 9वें महीने की 16 तारीख, मतलब आज फ्राइडे, कल से हम जो है स्टार्ट करेंगे, आज 15 है, कल से हम स्टार्ट करेंगे 16 से 26 तक 10 दिन आपको मिलेंगे जब आप जो है इनको कन्वर्ट करेंगे ओल्ड एड्रेस से, जब सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं तो अनडेलीगेट जब आप करेंगे। अच्छा, LFG डेक्स एक्सचेंज लिस्टिंग प्राइस 0.004 है, ठीक है। ICO 1 और 500 वेबसाइट एंड डेट 26 डेट है, तो इनको आप जब चाहें आप इनको जो है अनडेलीगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, पर्सनल पे आके मुझे मैसेज करें, पूछें कि सर ये क्या मसला है, हमें ये चीज़ समझा दें, आपने वीडियो में ये चीज़ नहीं बताई, तो साफ ज़रा मैं इंसान हूँ, अगर कोई चीज़ रह गई तो पर्सनल पे आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपकी भूल है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ईजिली पहुँच रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।